दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बियान लियांग के बारे में। ये चाइना की एक फेमस टेक्निक है, मतलब कि ये ऐसी प्रचलित कला है जिसके द्वारा वहां पर इसको करने वाले लोग अपने चेहरे पर लगे हुए मास्क को पल भर में चेंज कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। मतलब इसमें माहिर लोग अचानक से किसी की भी नजरों को या फिर कैमरे को धोखा दे सकते हैं। इस टेक्निक को बियान लियांग कहते हैं, जो कि चाइना के सिचुआन प्रांत में सबसे पहले शुरू हुई। इसकी शुरुआत 300 साल पहले हुई है और ये लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित है, चाहे वो कोई सर्कस हो या फिर किसी शो में, ये पूरी तरीके से फेमस है। लेकिन इसके पीछे जो भी कारण है और जिस तरीके से भी इसको करते हैं, एक्सपर्ट कभी नहीं बताते कि इसके पीछे वो क्या तरीका है या फिर क्या तकनीक है जिसके द्वारा वो लोगों की नजरों को या फिर कैमरे को धोखा देते हैं। की मेहनत के बाद कुछ लोग ही इस कला में महारत हासिल कर पाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक मास्क लगा रखा है और अचानक से जैसे ही कुछ क्षण बीतते हैं उस मास्क की जगह पे दूसरा मास्क आ जाता है। धीरे धीरे मास्क चेंज होते रहते हैं और इस कॉस्ट्यूम में जो इंसान है उसके लगातार मास्क के चेंज होते होते कोई भी कैमरा या फिर कोई भी व्यक्ति उसको नहीं पकड़ पाता। मतलब कि ये एक इस तरीके से टेक्निक करी जाती है जो पूरी तरीके से लोगों को जादू जैसा फील कराती है, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं, ये नॉर्मल सी बात है। ये है एक कला है जिसमें कोई भी व्यक्ति करते करते इतना निपुण हो जाता है कि वो टाइम को भी मात दे सकता है और किसी की आंखों से लेकर एक कैमरे को भी। दोस्तों अब इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर करतब लोग दिखाते कैसे हैं, तो सबसे नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसमें सालों की मेहनत होती है और कोई भी व्यक्ति, चाइनीज व्यक्ति जो कि इस कला को सीखता है, वो सालों तक इस चीज में इतना ज्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है कि किसी भी की भी नजरों को क्षण भर में धोखा दे दे या फिर कैमरों को भी धोखा दे सकता है। वो अपनी गर्दन को घुमाते ही फेस को इस तरीके से चेंज करता है कि हमें ऐसा लगता है कि उसके फेस के पीछे कोई फेस है। अगर ऐसा है भी तो वो पहले वाले मुखौटे को आखिर कहां लेकर जाता है और दूसरे वाले मुखौटे को आखिर कैसे लाता है, ये बहुत ही मुश्किल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको करतब दिखाने वाले कहां कहां करतब करते हैं। नॉर्मल सी बात है, चाइना बहुत बड़ा एरिया है। इसके अलावा इस करतब को दिखाने वाले लोग या फिर इसमें माहिर, मतलब बियान लियांग में माहिर लोग अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में जाकर भी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, उसमें जाकर भी इन्होंने अपना करतब दिखाया और अपने साथ साथ वे उन लोगों का चेहरा भी शामिल कर सकते हैं जो कि दर्शक वीडियो को देख रहे हैं या फिर उस शो को देख रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई आसान या फिर नॉर्मल सी कला नहीं है जिसको कोई भी कर सकता है, इसमें सालों साल लग सकते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों को झपकाने पर बिल्कुल भी मजबूर नहीं होगा और नहीं चाहेगा कि इस हैरानी भरे करतब को छोड़कर वो अपनी आंखों को या फिर पलकों को झपकाए। आप इस वीडियो में जब देखेंगे तो यहाँ पर किसी होस्ट के चेहरे को भी उस बयान लियांग करने वाले व्यक्ति ने खुद के चेहरे में कैसे ढाल लिया, आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।